नमस्ते बच्चों, वेलकम टू रामानुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 8th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, 8th स्टैंडर्ड एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स 8th सीबीएसई में भी है, 8th आईसीएसई में भी है, तो ये टॉपिक आप सभी, मतलब आईसीएसई के बच्चे हो, सीबीएसई के बच्चे हो, वो सभी देख सकते हैं, सबके लिए यूजफुल है। तो 8th स्टैंडर्ड का अभी मैं टेक्स्ट बुक जो ओपन किया हूँ, 8th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स दिखाए गए, होल नंबर्स दिखाए गए, इंटीजर दिखाए गए। तो व्हाट इज मीन बाय नेचुरल नंबर, मैंने मेरे पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है नेचुरल नंबर क्या है। नंबर सिस्टम का एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाई नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल क्यों नाम दिया है उसको, बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट द काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर है, वो काउंटिंग में यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं, काउंटिंग में। आप देख सकते हो ये जो नेचुरल नंबर है, इनको 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी होते हैं। काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 टू इन्फिनिटी तक होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स में इतना ही डिफरेंस है, जब नेचुरल नंबर का सेट उन्होंने बनाया था तो नेचुरल नंबर का सेट कंप्लीट सेट नहीं था, तो उनको उन्होंने कंप्लीट नहीं था क्योंकि हमारा इंडियन जीरो वहां पे नहीं था, जो हमारा आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया है वो जीरो वहां पे नहीं था, इसीलिए उन्होंने नया नंबर सेट निकाला जिसको नाम दिया होल नंबर, और उसमें क्या ऐड किया, बस जीरो। ऑल अदर नंबर्स आर नेचुरल नंबर, उसमें जीरो ऐड किया तो वो बन गया होल नंबर्स। उसके बाद आप इंटीजर्स देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, मतलब जीरो के बाद 1, 2, 3, 4 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर है, और आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो नेगेटिव नंबर है, -1, -2, -3, -4, वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव नंबर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सब नंबर इंटीजर है, मतलब इंटीजर में क्या आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और जीरो भी आते हैं। ओके, उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट मेरे अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। रैशनल नंबर मतलब जो नंबर हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इफ वी आर एबल टू राइट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, हम अगर उसको ए अपॉन बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो उसको रैशनल नंबर बोला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, क्यू रैशनल नंबर का सेट क्यू से दिखाते हैं, और वो ऐसा सेट है, नंबर ए का सेट है, वेयर ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो कैसा सेट है, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में, वेयर कंडीशन क्या है, क्यू इज नेवर जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, वो क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा, ये मैंने मेरे अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, क्यू मतलब रैशनल नंबर ऐसा सेट है जिसमें नंबर ए है, ए क्या है, ऐसे ए नंबर्स का सेट है, ए क्या है, ए इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ए क्या है, ए इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ए पी अपॉन क्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ नंबर्स में इंटीजर्स दिखाए गए हैं, जैसे -25/3 पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे 10/-7 डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, बस वो साइन हम बाद में न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सब नंबर रैशनल नंबर है। यहाँ पे 3 भी दिखाया गया है रैशनल नंबर, बिकॉज 3 को भी हम 3/1 मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको हम रेशियो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। तो हम अभी आगे जाके उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर सकते हो कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो m अपॉन n न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, ये रैशनल नंबर्स अगर क्लियर हो गया है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ये रैशनल नंबर्स के बाद रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है।
रैशनल नंबर को, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि 7/3, 2, -2/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 3 है और कुछ जगह पे 1 है, 2 का डिनोमिनेटर नहीं दिया है, मतलब क्या है 2/1 है, वो क्या है 2/1 है। तो यहाँ पे 3, 1 और 3 का एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, हम 1 एंड क्या लिखेंगे 3, इसका एलसीएम क्या है 1 एंड 3 का, वन एंड थ्री इज 3, एलसीएम 1 एंड 3 का कितना है 3 है। तो हम डिनोमिनेटर 3 है दो जगह पे, एक जगह पे 1 है, लेकिन दोनों का एलसीएम मिलके कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे देखो, 0 0 और यहाँ पे क्या है 1, 0 टू 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट करेंगे 3, यहाँ पे देखो कितना 1 पार्ट सेकेंड पार्ट 3 इक्वल पार्ट किए, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी कितने इक्वल पार्ट करेंगे 3 इक्वल पार्ट, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में भी कितने इक्वल पार्ट 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट करने के लिए कितने पॉइंट देने होते हैं 2, 2 से 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में भी क्या हो गया, हमने कितने पार्ट किए इक्वल 3, यहाँ पे 0 टू -1 उसमें भी हमने कितने इक्वल पार्ट किए 3, यहाँ पे -1 टू -2 इसमें भी हमने कितने इक्वल पार्ट किए 2, यहाँ पे -2 टू -3 इसमें भी हमने कितने इक्वल पार्ट किए 3, हमने दो जगह पे मार्किंग किया 3 इक्वल पार्ट हो गए। अभी आप अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो की तरफ देखो, यहाँ पे 0 के बाद जो फर्स्ट नंबर है वो आता है 1/3, इसके बाद ये सेकेंड नंबर जो है वो है 2/3, ये थर्ड नंबर है दैट इज 3/3, लेकिन 3/3 मतलब क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है, 3/3 का मतलब क्या होता है 1, उसके बाद ये जो नंबर है वो आता है 4/3, उसके बाद वाला ये नंबर है वो आता है 5/3, क्या आता है 5/3, और ये 2 मतलब 6/3, देन 7/3, देन 8/3, देन 9/3, like this। एक बार आपने डिनोमिनेटर जो है 3 उस उतने इक्वल पार्ट कर लिए, तो 0 के बाद फर्स्ट नंबर होगा 1/3 और उससे स्टार्ट करना है, 1 को इंक्रीज करते रहना है, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 6/3 कहाँ पे आएगा 2 के ऊपर आएगा, 7/3, 8/3, 9/3, 9/3 किसके ऊपर आएगा 3 के ऊपर आएगा, कहाँ पे आएगा 3 के ऊपर। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, मतलब अगर नाउ यू वांट टू शो द रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है वो नंबर नंबर लाइन पे दिखाना है, तो बस जितने नंबर दिए हैं उनके डिनोमिनेटर इक्वल कर लो, आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है, एलसीएम इतना कर लेना है, और जो डिनोमिनेटर आएगा जैसे यहाँ पे 3 आ गया था, हमने 3 पार्ट्स किए, 0 टू 1 के बीच में हमने कितने पार्ट किए 3 पार्ट किए, वैसे ही मैं यहाँ पे और कुछ एग्जांपल हम एक्सरसाइज से करते हैं, एक्सरसाइज में अभी पहला एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, आपको ये नंबर नंबर लाइन पे दिखाना है, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमें ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है, तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल हमें व्हाइट बोर्ड के ऊपर दिखाना है, मैं आपको आपके लिए व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और अलग नंबर लाइन निकालता हूँ, तो उस पर आपको क्लियर होगा, मैं यहाँ पे नंबर लाइन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नल लाइन ले लिया और मैंने इसको मार्किंग कर दिया, यहाँ से इस साइड में मार्किंग किया, यहाँ पे 0 है, इस साइड में 1 है, इस साइड में 2 है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 3 है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 4 है, कितना है 4, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है, मैं अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ले रहा हूँ, इक्वल करके ले रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द स्केल, आपके पास स्केल है और स्केल से आप कर सकते हो, बस मैं जस्ट आपको
दिखाने के पर्पज से जो है इक्वल पार्ट में कर रहा हूँ, कभी कम ज्यादा मेरे यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्योंकि मैंने कुछ स्केल लेके नहीं किया है, लेकिन आपको स्केल लेके करना। अभी क्या है, आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन वापस हम एक बार क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन आपको 3/2, 5/2 एंड -3/2 दिखाना है, नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो कैसे दिखाना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना था 2, तो हम 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट करेंगे इक्वल 2। यहाँ पे भी कितने 1 और 2 के बीच में 2, 2 और 3 के बीच में कितने 2, 3 और 4 के बीच में कितने 2, वैसे 0 और -1 के बीच में कितने 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट करने के लिए आपको एक ही लाइन मार्क करना होगा, आपके 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अभी आप 0 के बाद उन्होंने नंबर आपको दिया हुआ है 3/2, क्या दिखाना है आपको 3/2 एंड 5/2, लेकिन मैं आपको 0 के बाद पहला नंबर क्या आता है वो भी दिखा देता हूँ। वो क्या है 1/2, कितना 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2/2, इसका मतलब 1, और ये क्या होगा 3/2। तो 3/2 हमें पूछा गया था, तो हम क्या करेंगे 3/2 यहाँ पे, ये जो 3/2 था उस पर ऐसे सर्कल करेंगे, ये कितना था 3/2, बाद में ये कितना हो गया 4/2, देन ये क्या हो गया ये 5/2 भी पूछा था, उसको नाम देते 5/2, देन ये 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, देन 7/2, 7/2 इधर आ जाएगा यहाँ पे, और 8/2 आपको जो पूछा था उसको जैसे सर्कल कर दो। और उन्होंने क्या पूछा था क्वेश्चन में -3/2, तो यहाँ पे 0 के बाद ये क्या होगा -1/2, ये क्या बनेगा -1 मतलब ये -2/2 होगा, ये क्या होगा -2/2, और इसके बाद ये जो पॉइंट है दैट इज -3/2 जो आपको दिखाने के लिए बोला गया था। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर करना है तो मैं आपको बोलता हूं आप नाम भी दे सकते हो, इसको आप नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो सी। आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए कितना है 3/2, बी कितना है आपका 5/2, राइट 5/2, एंड सी कितना है आपका, कॉमा दे दो बीच में, सी कितना है आपका -3/2। तो वैसे आप नंबर लाइन पे आपने ए बी सी जो क्वेश्चन पूछा था वो आपने डिस्प्ले किया, अलग से नंबर लाइन ईच क्वेश्चन के लिए आपको निकालना है और सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि आपने बेटर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। डिनोमिनेटर जितना है उतनी पार्ट करो, मैंने यहाँ पे 2 ही पार्ट किए क्योंकि डिनोमिनेटर 2 था, इसके पहले वाला जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें 3 पार्ट किए क्योंकि डिनोमिनेटर सबका 3 किया था। यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेटर इक्वल करके उतनी ही पार्ट नंबर लाइन पे करनी, अंडरस्टैंड। अगर मुझे लगता है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तुरंत जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैं अभी वापस एक्सरसाइज आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, ओके। और सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे ब्लर हो गया, मैं वापस क्लियर करवाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा है, बाकी वाला सेकेंड थर्ड और फोर्थ आपको करना है। यहाँ पे सेकेंड में 5 डिनोमिनेटर है तो आपको 5 इक्वल पार्ट करने होंगे 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 के बीच में। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में 8 है डिनोमिनेटर तो आपको कितने पार्ट करने होंगे इक्वल 8 इक्वल पार्ट करने होंगे, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में 10 दिया है डिनोमिनेटर तो आपको कितने पार्ट करने होंगे इक्वल 10 पार्ट्स करने होंगे, बाद में ही आप नंबर दिखा सकते हो। बहुत इजी है, आप ट्राई करो, और आपने अगर किया है आपको जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग और डिटेल में मैंने जाना चाहिए तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे देखो किस ऑब्जर्व करना है नंबर लाइन और आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करना है। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, तो आपको बी से कौन सा पॉइंट आप रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहले तो 0 to 1 या 0 to -1 के बीच में कितने पार्ट है 1, 2, 3, 4, कितने इक्वल पार्ट है 4,
तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट आएगा तो ये होगा 1/4। उसी हिसाब से यहाँ पे निगेटिव साइड में ये होगा -1/4, तो ये होगा -2/4, -3/4, ये होगा -1 मतलब -4/4, देन ये -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, और ये क्या होगा बी, मतलब आपका बी हो जाएगा -10/4। आप क्लियरली देखो, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको अंडरस्टैंड होने के लिए, मैं यहां से इरेज करके वापस एक बार आपके लिए लिखता हूं। यहां देखो 0 to 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट है, 4 है, तो 4 में यहाँ पे पहला पार्ट होगा 1/4, 2/4, 3/4, और ये होगा 4/4। ओके, वैसे ही इस साइड में, माइनस साइड में ये पहला पार्ट होगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -2 मतलब -8/4, देन -9/4, और बी हो जाएगा -10/4। क्लियर, बहुत इजी है। देन विच पॉइंट इंडिकेट द पॉइंट नंबर 1 इंटीजर 3/4। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके ले लो, कन्वर्ट करके आएगा 4 into 1, 4 + 3, 7/4, कितना आएगा 7/4। तो 7/4 अभी पॉजिटिव साइड में जाना है, पहले 1/4, 2/4, 3/4, देन 1 के ऊपर आएगा 4/4, 5/4, 6/4, देन सी ये जो पॉइंट है वो क्या होगा 7/4, क्या होगा 7/4, तो पॉइंट कौन सा है, सी। विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 इंटीजर 3/4, दैट इज सी। देन स्टेट वेदर द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। पॉइंट डी क्या रहेगा, 5/2 है क्या। पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे, पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे पहला वाला पॉइंट ये क्या है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, सी मतलब 7/4, 2 मतलब 8/4, देन उन्होंने क्या बोला है 9/4, और डी क्या आता है 10/4, 10/4 आता है। आप देखो डी क्या आता है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, डी क्या आता है 10/4, 10/4 मतलब अगर दोनों को 2 से डिवाइड किया तो क्या बनता है 5/2। सो पॉइंट डी जो कि 10/4 था, इसका मतलब वो क्या है 5/2 ही है, तो ये क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू, दिस इज ट्रू। और क्यों ट्रू है, क्योंकि 10/4 का ही मतलब 5/2 हो जाता है। तो आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ। और ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी लिखिए, आप जो चाहते हो, आपको क्या लगा वो कमेंट भी करिए। मैं अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर, और वही वीडियो आप, वो भी वीडियो आप देखो, ताकि आप 1.2 एक्सरसाइज 8th स्टैंडर्ड का सॉल्व कर सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, टेक केयर, थैंक यू।